हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं 12th PSC बिहार बोर्ड का जो 12वीं का आपका केमिस्ट्री अध्याय 5, जिसमें पढ़ेंगे पृष्ठीय रसायन। नहीं, आपका सरफेस केमिस्ट्री। हम इसमें पढ़ेंगे आपका अधिशोषण और अवशोषण कहलाएगा आपका अधिशोषण। एडसॉर्प्शन और अवशोषण एब्सॉर्प्शन, दोनों को बारी बारी से देखेंगे। चौथा दोनों हम देखेंगे, सबसे पहले अंतर क्या होता है अधिशोषण और अवशोषण। इसे हम जानते हैं कोई भी पदार्थ क्या होगा, किसी पदार्थ को अवशोषित करता है। यहां दो टाइप से देखेंगे क्या होता है आपका। जैसे अगर मान लेते हैं मिट्टी लेते हैं और मान लेते मिट्टी का कोई इस तरह से आपका मिट्टी का कोई अथी है गोला, ये जब पानी से अभिक्रिया पानी में ये डूबेगा तो क्या होगा, ये पूरा अंदर तक अवशोषित कर लेगा, मतलब पानी पूरा का पूरा मिट्टी भीग जाएगा। इसको हम कहेंगे अवशोषण। जब आप बात करेंगे यदि पत्थर को डुबाया जाता है पत्थर को, तो क्या होगा देखेंगे, पत्थर का सिर्फ ऊपरी सतह भीगेगा, अंदर तक नहीं भीगेगा। यदि पत्थर को हम पानी से निकाल के पानी में डाल के फिर निकाल के फोर के देखते हैं तो क्या होगा, बीच में आपका सूखा रहता है। तो मतलब ये देखेंगे अधिशोषण क्या होता है आपका, पृष्ठीय घटना होती है, मतलब पूरा पदार्थ में होता है, ये सिर्फ पृष्ठीय घटना होती है। और ये अवशोषण क्या होता है, इसमें पूरा पदार्थ के अंदर अवशोषित होती है। अब देखते हैं इसमें हम, जो पदार्थ चिपकने वाला पदार्थ कहलाता है अधिशोषित पदार्थ। जैसे अगर मानते हैं ये अधिशोषण आपका हो रहा है ना, तो यहां पर जैसे पानी इसके पदार्थ आके बाहरी पृष्ठ पर आके चिपक जाएगा, इसको हम कहेंगे अधिशोषित पदार्थ। अधिशोषित पदार्थ, और जो पदार्थ क्या करता है पृष्ठ पर, जिसके पदार्थ पर चिपकता है, जिसके पृष्ठ पर चिपकता है, जैसे देख पत्थर के पृष्ठ पर चिपकेगा तो यह कहलाएगा अधिशोषक। अब दोनों का कुछ उदाहरण देख लेते हैं आपका। जैसे देखिए, अब पहले हम देखते हैं अधिशोषण का उदाहरण। तो जब चारकोर के पुण्य को मेथिलीन ब्लू के तनु विलयम डाल के हिलाया जाता है तो क्या होता है, इसका रंग फीका पड़ जाता है और कुछ भाग चारकोर के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाता है। इसी तरह से देखेंगे चारकोल के पृष्ठ पर एसिडिक अम्ल और आयोडीन भी अधिशोषित होते हैं, अवशोषित नहीं अधिशोषित होते हैं। तो ये सब अधिशोषण में देखेंगे। अवशोषण में जब हम देखते हैं तो अवशोषण आपका हो जाएगा, जैसे देख कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये एक तरह से ये सब क्या आपका अवशोषक है। अधिशोषक तो बता ही चुके आपका क्या अधिशोषण अवशोषण में अंतर है, तो ये सब क्या अधिशोषक है, मतलब ये पानी को अंदर तक सोख लेगा। मान लेते पानी के उदाहरण ले लिए तो ये अंदर तक सोख लेगा, और इसमें जब बात करेंगे तो सिर्फ बाहरी पृष्ठ पर वो आके चिपक जाता है, अंदर तक अवशोषित नहीं था, सिर्फ बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है चिपकता है। अब हम आगे हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अधिशोषण की विशेषताएं। यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है और अति शीघ्र संपन्न हो जाती है। अधिशोषण की विशेषता हम पढ़ रहे हैं, यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये अपने आप होती है, यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है और शीघ्र ही अति शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, शीघ्र ही
समाप्त हो जाती है। दूसरा इसका देखेंगे, ये अधिशोषक के पृष्ठ के आसपास तक ही सीमित रहता है। ये तो पहले भी बताया क्या, पृष्ठ के आसपास ही तक सीमित रहता है। यह अधिशोषक मतलब जो पदार्थ जिस पदार्थ पे आके जिस पदार्थ के पर आकर कोई पदार्थ चिपकता है उसको हम कहते हैं अधिशोषक, के पृष्ठ के आसपास, ये तो पहले भी बताए थे, पृष्ठ के आसपास ही होता है। देखते दिन में इसके फलस्वरूप तंत्र की मुक्त ऊर्जा घटती है। इसके क्या होता है, तंत्र जो भी है इसका मुक्त ऊर्जा घटती है, अर्थात हम कह सकते हैं डेल जी बराबर क्या होगा, समावस्था में डेल जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। धीरे धीरे घटते घटते समावस्था जब आएगा उस समय डेल जी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। इससे एंट्रोपी घटता है, जानो देखिए इससे एंट्रोपी घटता है। याद रखेंगे अधिशोषण की विशेषता हम पढ़ रहे हैं, और यह प्रक्रिया हमेशा ऊष्मा क्षेपी होता है, या हमेशा ऊष्मा क्षेपी होता है, मतलब इसमें हमेशा ऊष्मा का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम देखिए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक आपका अधिशोषण और अवशोषण, इसमें अधिशोषण की विशेषता पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिशोषण का प्रकार, अधिशोषण के जो दो प्रकार होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ये दोनों आपका नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, जिसमें आपका दोनों का गुण और दोनों में क्या अंतर है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक जो समतापी वक्र और लैंगमुर का समतापी वक्र। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे क्या होगा इस लॉकडाउन में घर बैठे क्या उनको भी तैयारी करने में मदद मिलेगा। धन्यवाद।